अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका जॉबर बिल्डर और मैं लेके आया हूं अपने प्रोजेक्ट की नई वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइक को मास्टर जिग पे कैसे लगाते हैं और कैसे इसके एंगल सेट करते हैं और कैसे इसकी वर्किंग करेंगे। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे फैब्रिकेशन और दिखाएंगे बॉडी पार्ट्स मार्केट से कैसे बनते हैं और कैसे बाइक पे फिक्स होते हैं। इस पार्ट की पहली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है। चैनल की सपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो गाइस अब टाइम हो चुका है कि हम बाइक को अपने जिग पे लगाएं, अपने मास्टर टूल पे लगाएं और इस पर वर्किंग शुरू करें। और इसको हम कैसे जिग पे लगाएंगे, आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। गाइस ये बैरिंग पहले हम इसकी डिग्री के लेवल में सेट करेंगे, फिर इसको फ्रेम में फंसाएंगे ताकि ये हमारा लेवल जो है ना वो किसी सूरत में ख़राब ना हो पाए। ठीक है जी, अब हम इसको उठाएंगे नीचे से। ये ऐसे टूल हमने बनाए हुए हैं जिनके पीछे नट लगे हुए हैं और ये एक किस्म के बैलेंसर हैं। ये हम यहाँ से इसको यहाँ से रख के इसके साथ टाइट करना शुरू करेंगे और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको सारा लेवल करता हुआ ले आएगा। तो गाइस आगे ये हमारा फ्रेम जो है ये जिग में हम फिक्स कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये डिग्री टूल है यानी डिग्री का जो रॉड है उसमें दो हमने ये नट लगाए हुए हैं और उसके जो बैरिंग होते हैं जो ट्रिपल डी के हैं वो एक ऊपर और जो नीचे आता है उसको आप अपने फ्रेम के अंदर लगाएंगे और नीचे से इसको टाइट करेंगे इस तरह से और ये ऊपर जाता जाएगा और ऊपर से इसको टाइट करेंगे और ये दोनों फ्रेम को अच्छी तरह ऊपर नीचे से जाम कर देंगे। ठीक है जी, अभी फ्रेम हमारा आगे से पूरा फिक्स हो चुका हुआ है और अब हम इसको पीछे से जो है वो फिक्स करेंगे और वो किस तरह करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको इस वीडियो के बाद। गाइस ये हैं हमारे पिछले क्रॉस के बैलेंसर और हम इसको किस तरह इसके साथ बैलेंस करेंगे और किस तरह फिक्स करेंगे आइए आपको दिखाते हैं। गाइस आप ये देख रहे हैं इसमें ये डिफरेंट किस्म के होल्स हैं। ये होल्स जो हैं ये हमारे बैलेंस करने में हमें बड़ी हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें जितना भी हमने आगे पीछे करना होता है या जिस जगह भी हमने एडजस्ट करना होता है ये होल इसलिए किए हैं कि हम अपने एडजस्टमेंट को इन बैलेंसर के साथ पूरा कर सकें। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह है। वैसे एक साइड के जो ये हमारा बैलेंस है ये कंप्लीट हो चुका है, अभी हम दूसरी तरफ लगाएंगे। तो वैसे देख सकते हैं आप हमारे बैलेंसर जो पूरी तरह फिट हो चुके हैं पीछे हमारा क्रॉस भी लग चुका है
और ये दोनों बैलेंसर हमारे पूरी तरह फिट हो चुके हैं। आगे की डिटेल जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दिखाते हैं इसकी फैब्रिकेशन।